हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीडियोस पॉकेट। मैं हूं अमित और आज मैं बताने वाला हूं कैसे आप जा लाइफ में खुद से, यानी खुद सेल्फ तरीके से आप खुद से कैसे किसी को साइन अप करा सकते हैं या कैसे किसी को रजिस्टर करा सकते हैं अपने स्पॉन्सर आईडी, मतलब खुद के आईडी के नीचे कैसे आप जोड़ सकते हैं। तो अपने आईडी के नीचे जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक खुद का एक रेफर जो है आपको आईडी मिला होगा जो आप लॉगिन करते होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नीले कलर का दिख रहा है और यहाँ लास्ट में आप देख रहे हैं पीके राम लिखा है, ये आपका स्पॉन्सर नेम है। तो स्पॉन्सर नेम है, अगर मान के चलिए ये लिंक भी अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी मैं बताऊँगा क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले आप अगर आपके पास लिंक है तो लिंक को क्लिक करेंगे आप, ये देखिए लिंक को क्लिक किए तो ये इस तरह का फॉर्मेट आ जाता है, देख सकते हैं इस तरह का। पहले में आपका जो नाम मांग रहा है, दूसरे में क्या आप अपना यूज़र नेम रखना चाहते हैं, ईमेल आईडी मांग रहा है, कंट्री किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है और पासवर्ड है। बाकी ये टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी करके दिख रहा है। तो आपके पास जो है ना डिटेल होना चाहिए, तो डिटेल मैंने पहले से लिख रखा है, यहाँ देख सकते हैं आप जिनको मैं जोड़ रहा हूँ उनका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नाम। और यहाँ ऊपर में आप देखिए पीके राम से मैंने जो स्पॉन्सर लिख रखा है क्योंकि इनके आईडी के नीचे मुझे जोड़ना है पीके राम के नीचे। तो चलिए देखिए यहाँ पे पीके राम ऑलरेडी ले रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीके राम ऑलरेडी ले रखा है, इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर नेम जो है उनका नाम मांग रहा है किन के नीचे आपको जोड़ना है। अगर आपके पास रेफर आईडी नहीं है तो आप यहाँ से भी अपना, अगर आपको नाम याद है कि मेरा स्पॉन्सर नेम क्या है तो पीके राम देख सकते हैं, यहाँ पीके राम मैंने लिख दिया, पीके राम, देखिए पीके राम मेरा स्पॉन्सर था जो जिनके आईडी के नीचे मुझे जोड़ना है। यहाँ देख सकते हैं पीके राम के नीचे मुझे जोड़ना है, ठीक है। और किन को जोड़ना है उनका डिटेल मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं उनका डिटेल मैंने लिखा है, ये स्पॉन्सर हैं हमारे सीनियर और इनके आईडी में मुझे इनको अभिषेक कुमार को जोड़ना है। चलिए जोड़ के दिखाता हूँ मैं, उनका नाम है अभिषेक कुमार हो गया। यूज़र में मान चलिए अभिषेक नाम से किसी ने बनाया होगा, अभिषेक के आर, ये तो पीके नाम, ये हमारे स्पॉन्सर हैं जिनके आईडी में मुझे जुड़ना है। ये यहाँ पर देख सकते हैं पीके राम के आईडी के नीचे मुझे जुड़ना है इसलिए स्पॉन्सर में उनका नाम देना है। वो अगर लिंक रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ फिल हो जाता है, अगर नहीं फिल होता है तो आप अपना स्पॉन्सर जो है आपको दिखा सकते हैं फिर से। चलिए ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पीके राम, लास्ट वाला जो देखें हाइफन के बाद पीके राम दिया है तो वही आपका स्पॉन्सर नेम है, स्पॉन्सर नेम पीके राम। यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर नेम जो है पीके राम ऑलरेडी ले रखा है। और चलिए ईमेल आईडी भरते हैं, अभिषेक कुमार DBG ये इनका ईमेल आईडी है, कॉपी कर लेते हैं जल्दी हो जाएगा, इसमें पेस्ट कर देते हैं। इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये हर कंट्री में चल रहा है, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का दीजिएगा इंडिया। फ़ोन नंबर में 7322 ये देखिए इनका फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया। सब डिटेल जो भी डाल रहे हैं चेक करके डालिएगा, दोबारा चेक कर लीजिएगा, ये नहीं कि गलती में आप गलत फिल्म डाल दी। डेट ऑफ बर्थ में ठीक है, अब देखिए ये मेरा फिल हो गया, उनका नाम फिल हो गया, ठीक है उनका नाम फिल हो गया, यूज़र नेम मतलब जिनका आईडी बन रहा है उसका अपना यूज़र नेम। अब ये देख रहे हैं आप अभिषेक KKR जो KKR अभिषेक KKR लिखा है, अब इसका जो है ये यूज़र आईडी बन जाएगा, वैसे ही हाइफन के बाद जो है उनका यूज़र नाम दिखाऊंगा मैं आपको, ये यूज़र नेम बन जाएगा।
अगर इस नेम से कोई बनाया होगा तो नहीं लेगा, मेरा उम्मीद तो यही कर रहा है कि इस नेम से किसी ने बनाया नहीं होगा। चलिए पासवर्ड डाल देते हैं। अभी पासवर्ड डाल रहा हूँ इसलिए आपको ब्लैंक शो कर रहे हैं, जो आपको मैं थोड़ा हाइड किया हूँ क्योंकि पासवर्ड आपको तो सीक्रेट है, इसलिए मैं पासवर्ड आपको नहीं दिखा सकता। यहाँ पे आपको टर्म, यहाँ पे दो बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा है आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, फिर दूसरे में लिखा है आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी, तो इस दोनों में क्लिक कर देना है। यस, मैं इसके टर्म कंडीशन को फॉलो करता हूँ, इसको भी एक्सेप्ट करता हूँ दोनों को, फिर साइनअप पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं फिर से एक बार रीचेक लेकिन करते ठीक है एक बार। अभिषेक कुमार यूज़र नेम में उनका ये रख दिया है, कुछ भी रख सकते हैं, ये नहीं कि उनका नाम ही, आप यूज़र नेम में कुछ भी रख सकते हैं, मतलब हीरो क्वीन राजा रानी जो आपको लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने नाम से ही बना सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं यूज़र नेम में, लेकिन आपका नाम सही होना चाहिए, स्पॉन्सर नेम जिसके आप नीचे जुड़ना चाहते हैं वो सही होना चाहिए, ईमेल आईडी सही होना चाहिए, इंडिया, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये सब सही होना चाहिए। बाकी यूज़र नेम में कुछ भी आप रख सकते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे मान अभिषेक मैंने लिख दिया, मैं चाहता तो अमित लिख देता, मैं चाहता तो राज लिख देता, कुछ भी लिख देता, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो यूज़र नेम एक बार बन गया वही रहेगा, लेकिन यही है जो आपका यूज़र नेम बन गया एक बार वही रहेगा। साइनअप करते हैं। ये देखिए मैं आपको बोल रहा था ना, यहाँ पे इस तरह से आ गया दिस यूज़र नेम हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन, मतलब इस तरह का यूज़र नेम ऑलरेडी ले रखा है किसी ने। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, अभिषेक को 07 कर देता हूँ लास्ट में 07, और फिर मैं देखता हूँ एक बार लेके। अभी मैं पासवर्ड दे रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हाइड किया है, पासवर्ड हाँ। डाल रहा हूँ थोड़ा सीक्रेट है इसलिए मैं थोड़ा सा हाइड करके आपको मैं बता रहा हूँ, सॉरी थोड़ा काम आ गया था। अब फिर से एक बार रीचेक कर लीजिए, देखिए पहली बार नहीं लिया था, अब मैंने अभिषेक में 07 लगा के देखा है, ये कहीं है ले ले, ठीक है बाकी ये स्पॉन्सर सही है, बाकी ये सब कुछ सही है। चलिए करते हैं, ये भी ले रखा है किसी ने, चलिए इसको फिर चेंज करते हैं अभिषेक। अभी कुमार कर देते हैं, अभी कुमार, अभी अभी रहने देते हैं। अभी मैं पासवर्ड दे रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हाइड किया है, सॉरी इसके लिए। चलिए सब कुछ सही है, इस बार मैंने अभी देख कर देखा है सिर्फ, देखता हूँ ये भी कहीं बना ना हो, ये भी बना हुआ है KUMAR, अभी कुमार कर दिया मैंने, अब देखता हूँ अभी कुमार भी तो नहीं लिया किसी ने, या अभी कुमार करके देखा है दूसरा यूज़र नेम बना के, यूज़र नेम में कुछ भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलो फिर से साइनअप करते हैं, ये भी देखिए फिर भी बोल रहा अभी कुमार किसी ने ले रखा है, अभी क्या देते हैं उससे देखता हूँ मैं, सॉरी मैं अभी पासवर्ड डाल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हाइड किया है, सॉरी इसके लिए। देखिए सही फील है, अभी को केयर दिया है अभी केयर, बाकी सब ठीक है, साइन अप कर देता हूँ। ये देखिए बन गया अभी केयर से बन गया, चलिए मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। अभी केयर था, पासवर्ड मैंने दिया था, सॉरी मैं अभी पासवर्ड दे रहा हूँ इसलिए आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए हाइड किया है, सॉरी। देखिए लॉगिन हो गया उसका, अब यहाँ पे इस तरह का जो है उसमें डिटेल दिया हुआ है कि अभी फेज सेकेंड चल रहा है जाला स्टाइल का स्टार्टिंग नाउ, इस तरह का आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी में आप कर सकते हैं, देखिए हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये सारा जो है हिंदी में आ जाएगा। अब देखिए आप उसको पढ़ सकते हैं क्या क्या पॉलिसीज़ है, क्या क्या अभी अपडेट आया है, क्या क्या सारा चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने संदेश पढ़ा है, मतलब ऐसे करके आप जब इसे ही क्लिक करेंगे मैंने संदेश पढ़ा है आपका, देखिए 1000 आपको जो है मिल जाएगा डॉलर, यहाँ से आप इंग्लिश कर लें थोड़ा,
इंग्लिश। ये देखिए आपका ये रेफर लिंक है, और चलिए मैं इस रेफर लिंक को कर दो तरीके से कॉपी होता है। एक तो चलिए मैं ऐसे भी कर लेता हूँ, यहाँ से देखिए सेलेक्ट ऑल करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर देखिए व्हाट्सएप पे जहाँ पे अब देखिए ये आपका रेफर लिंक बन गया। अब देखिए अभी के आर जो है इनका रेफर लिंक है। इस तरह से आप अपने स्पॉन्सर आईडी यानी कि आपके नीचे जिसको जोड़ना है इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया है, वहाँ से आप मेरे से जुड़ भी सकते हैं, और मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करें और मेरे आईडी से जुड़ें। थैंक यू।